उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान विषय सदाबहार वन की तरह है, जो कभी भी मुरझाने वालों में से नहीं है। इसके सभी क्वेश्चंस जितने ओल्ड हैं उतने ही ये सभी क्वेश्चंस गोल्ड हैं। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने दिमाग की तिजोरी में संजो के रखिए, संभाल कर रखिए। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन संविधान से पूछा जाएगा तो उसको समझदारी से आपने उसका आंसर देना है, अपने ज्ञान की तिजोरी का लॉक ओपन करना है और अपना राइट आंसर अपने एग्जाम में दे कर आना है। ठीक है, विद कॉन्फिडेंस, अंडरलाइन रखिएगा, विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आपकी सब्जेक्ट में पकड़ काफी अच्छी होगी, और पकड़ अच्छी कब होगी, जब आप एक एक बात को बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे, राइट, और रिवीजन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये बुक आपने परचेज नहीं करी है तो मार्केट से अभी जाइए और इस बुक को तुरंत परचेज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लूसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं उन सभी वीडियो को तसल्ली से देखना है। ये नहीं कि आपने अभी देख लिया, बुक थी आपके पास में, आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो फटाफट जोश खरोश में बस अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। डेली का एक वीडियो वॉच करिए या दो वीडियो वॉच करिए बस, और एक वीडियो को कम से कम दो बार प्ले करना अगर डाटा की कोई टेंशन नहीं है तो। दूसरी बार के अलावा आपने तीसरी बार बिल्कुल भी वीडियो को वॉच नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी कुछ गाइडलाइंस है मेरे अकॉर्डिंग, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। देखिए, इसमें हम कवर करेंगे पहला जो टॉपिक हमारा, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में देखिए क्या पूछेगा आपसे, आपसे क्वेश्चंस ये पूछेगा कि अनुच्छेद एक से लेकर के चार तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं तो उसमें कौन सी बात का जिक्र किया है या कौन सी बात का उसमें आपको उल्लेख मिलता है। तो ये है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और नागरिकता के बारे में कौन से भाग में मिलता है, भाग दो जो है वो संबंधित किससे है, भाग दो जो संबंधित है वो है नागरिकता से, ठीक है। आपसे अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं और आपको नागरिकता का भाग कौन सा है, भाग दो, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो फिर आप देखिए कि भाग तीन में कौन सी बात का उल्लेख करा गया है, तो भाग तीन में उल्लेख करा गया है मौलिक अधिकार का, ठीक है। और मौलिक अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच में। और नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग से संबंधित है, तो ये है भाग 4। भाग 4 का ये काफी इंपॉर्टेंट है, 4A देगा आपको एग्जाम में कभी कभी, या 4K दे सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 51 के किस चीज से संबंधित है, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 51 संबंधित है मूल कर्तव्य से। भाग 5 में डिस्कस करा गया संघ के बारे में, और अनुच्छेद की बात करी जाए तो 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद के बीच में संघ के बारे में ही डिस्कस करा गया है। हर एक अनुच्छेद का अपना अलग अलग कार्य है, आप ये अनुच्छेद चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट यही फैक्ट याद रखने हैं बस, ठीक है। जो जो मैंने कंप्लीट येलो कर रखा है, ये येलो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है। इसमें से कुछ भी मैं स्किप नहीं कराने वाला, स्किप मैंने पिछले वीडियो में कराया क्योंकि वहां पे गुंजाइश थी स्किप कराने की, लेकिन यहाँ पे हल्की सी भी गुंजाइश नहीं है, चीटी जितनी भी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ स्किप करा सकूं, ठीक है। देखिए, एक से लेकर के 20 भाग ये सभी आपको याद रखने हैं, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट सारे ही, ठीक है ना। फिर है आपका निर्वाचन, राजभाषा, संविधान का संशोधन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। सारे ही याद करने हैं, अगर इनकेस आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो 15-20 दिन में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इतना तक पढ़ लीजिएगा, बहुत है। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में डिस्कस करा गया है। देखिए, नागरिकता क्या था अभी हमने देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं।
भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? तो नागरिकता जो अधिनियम था वो 1955 ईस्वी में आया था, और इसके अनुसार क्या था कि किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त करी जा सकती है। जैसे जन्म से, अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ तो उसको क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिल सकती है। या वंश, अगर परंपरा द्वारा नागरिकता मिलती है इसमें, जैसे कि आप हैं, आपका जो भी बेबी होगा तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत की नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप हैं, आपने शादी करी, ठीक है ना, आपकी पहले जॉब लगी बाहर किसी कंट्री में, आप इंडियन के इंडियन हो, ठीक है, आपने वीजा लगाया, टेम्पररी बेस पे आप बाहर भारत से बाहर चले गए, लेकिन आपने शादी करी बाहर किसी विदेशी लड़की से, तो आप क्या है इस समय, भारत के नागरिक है, लेकिन आपकी पत्नी क्या है, विदेशी है। अगर आपका कोई भी बेबी होता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि माता पिता में से कोई भी, मतलब कि आप क्या है, भारत के नागरिक अभी भी हैं। अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होगा, दोनों के पास नागरिकता कहाँ की है, विदेश की, तो बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तो माता पिता ने जब भारत का आधार छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नागरिकता बच्चे को भी नहीं मिलेगी। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं नोट की, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी से या द्वारा किया गया। देखिए, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया, तो यही लाया गया था 1986 में। और ये अधिनियम क्या कहता है, ये कहता तो एक्चुअली बहुत कुछ है, लेकिन हमको याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। अगर कोई विदेशी भारत में आके 10 वर्षों तक रहता है, ठीक है, 10 ईयर तक अगर यहाँ पे रहता है, काम करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पहले यह अवधि जो थी केवल 5 वर्ष थी, ठीक है, 5 वर्ष तक कोई विदेशी आकर के भारत में रहता था तो उसको तुरंत क्या होती थी, भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब ये कितना बढ़ा दिया गया, अब ये कर दिया 10 वर्ष, याद रहेगा 10 वर्ष। तो कभी कभी क्वेश्चन एक्चुअली जीएस पेपर 1 में स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बट एसएससी में बहुत ही रेयर चांस है पूछने का, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा, जो मैं नीचे अभी आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, 1986 जम्मू कश्मीर में असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार कहाँ से कौन से भाग में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का डिस्कस करा गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान में क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार मतलब, जैसे हम कहते हैं ये हमारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तो है कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये मौलिक अधिकार भी पूरी तरह से क्या होते हैं, स्थगित, टेम्परेरी डिसेबल कर दिए जाते हैं, लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। और ये अनुच्छेद कौन सा होता है, ये अनुच्छेद होता है 352। अब मूल संविधान में, मतलब स्टार्टिंग में जो संविधान बना था उसमें कितने थे मौलिक अधिकार, उसमें थे आपके 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी के द्वारा, संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार की सूची से इसको निकाल दिया, मतलब हटा दिया। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं संपत्ति के अधिकार की, कंफ्यूज मत होना, बात कर रहा हूँ मैं संपत्ति के अधिकार की, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया इसमें से फिर, और इसके अंतर्गत इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया। तो कौन सा अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तो इस तरह से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, कई बार, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कोई मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था अब नहीं है भाई, अब क्या है ये, अब बन गया ये कानूनी अधिकार। आगे हम बात करते हैं, देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन के टाइम पे अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 संबंध है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से क्या कर दिया, निषेध कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, डिसेबल कर दिया कि
इस चीज के बारे में अगर भी भेदभाव पाएगा तो क्या होगा, वो गुनहगार होगा पूरे भारत का, उसको सजा मिल सकती है। आगे लोक नियोजन के विषय के अवसर में समता मिलनी चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ठीक है, छुआछूत जो था वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई अधिकार स्वीकार नहीं कर सकता है, ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 18 में। अगर इन केस आप कहीं विदेश में जाते हैं, ठीक है, आज मैं आपके भारत से बाहर की यात्रा करवा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बिना वीजा के, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप बाहर जाते हैं विदेश में, कहीं आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर आप कहीं स्कॉटलैंड वगैरह गए, तो वहाँ पे अगर आपको वहाँ की कंट्री आपको कोई सम्मान देना चाहती है, आपने वहाँ पे रहकर बहुत अच्छा काम करा, लोगों की सेवा करी या कोई प्राइवेट काम करा, कुछ भी काम करा आपने A to Z, तो वहाँ की सरकार, विदेशी सरकार जो थी, वो आपके काम से लेकर के बहुत खुश हुई, लेकिन वो आपको सम्मान में कुछ आपको गिफ्ट देना चाहती है या फिर आपको कोई उपाधि देना चाहती है, आपको किसी अवार्ड से आपको सम्मानित करना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप राष्ट्रपति की आज्ञा लेंगे, राष्ट्रपति कौन सी, इंडिया के राष्ट्रपति की आज्ञा लेंगे, आप वहाँ का तो राष्ट्रपति एग्री है ही, वो तो दे ही रहा है आपको सम्मान, लेकिन यहाँ से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लेता है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना किसके अनुमति, बिना किस व्यक्ति की अनुमति के बिना वो स्वीकार उपाधि नहीं कर सकता, तो ऐसे ही कुछ आपके लैंग्वेज यूज करेगा, तो वो है आपका क्या, राष्ट्रपति। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही आते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं कि भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, या फिर परमवीर चक्र मिल गया, महावीर चक्र मिल गया, वीर चक्र मिल गया, ठीक है, तो ये सब जो पुरस्कार आते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आप याद रखना आर्टिकल कौन सा है, ये है आपका 18, अनुच्छेद को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल। स्वतंत्रता का अधिकार 19 जो भी है, ABCDEF, ये सब क्या है आपके, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये एक्चुअली स्वतंत्रता के अधिकार में इसको संपत्ति का अधिकार बना लिया गया, और संशोधन कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, कब हुआ था ये हुआ था 1978 में, इसको हटा दिया गया था, ठीक है, तो बस ये आप याद रखना। और प्रेस की स्वतंत्रता मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आर्टिकल 19A में किस बात का उल्लेख करा गया है, ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बोलने की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वहां पर, तो आप याद रखना 19A। अनुच्छेद 20 जो है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, आप इस वीडियो को अभी ही पॉज कर लीजिए, ठीक है, आप एक ही लाइन को पढ़ना और इसकी डिटेल जाके आप खुद पढ़ना, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, बस पढ़ लेना कि ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अगर आप इन केस मेंस का एग्जाम देते हैं किसी चीज का, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ जाए, कभी SSC में जैसे डिस्क्रिप्टिव कोई अगर आपको कोई ऐसे आ जाए वहाँ पे आपको इस तरह से कोई यूज़ करना है, तो आपको वहाँ तक भी बात लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ सकते हैं और उनको देख सकते हैं एक बार, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने में एक्चुअली वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, और वीडियो की लेंथ जैसे ही बढ़ जाती है तो आप लोगों के व्यू आने बहुत कम हो जाते हैं, जब व्यू नहीं आएंगे तो ज़्यादा दूर तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाएगा यूट्यूब में, तो इसलिए मैक्सिमम शेयर करिए इस वीडियो को, आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग होंगे तो व्हाट्सएप पे एक ये लिंक डाल दो अपना, शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है, और फेसबुक वगैरह में होंगे तो वहाँ से शेयर करें, फेसबुक में लिंक डाल दो, तो इस तरह से आपको इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि निवारक निरोध से संबंधित अब तक नई विधियाँ क्या क्या हैं। देखिए भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम बनाया, इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत से बिल्कुल अलग फेंक देना, ठीक है। तो देखिए ये पेज शायद दोबारा रिपीट हो गया, स्कैनिंग में मुझसे गलती हो गई, ठीक है, भारत की ये आप हटा देना, 223 नंबर पेज दोबारा रिपीट हो रहा है बिल्कुल सेम। भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था और इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया, ठीक है,
1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं मीसा की, मतलब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ये कब आया था? ये आया था 1971 में, और ये क्या कहता था? 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1979 में, इसके प्रतिकूल था, और इस कारण अप्रैल को 1979 में यह समाप्त कर दिया। तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, विदेशी मुद्रा संरक्षण वे तस्करी निरोध अधिनियम, ठीक है। तो ये अवधि 1 वर्ष थी, लेकिन इसको क्या करा, जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसको 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अब फिलहाल हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टाडा के बारे में। टाडा आपको पता होगा, टाडा ये वही वाला केस है जैसे कि आपका वो था ना, हीरो था संजय दत्त, है ना, तो उसी के लेकर जो लगा था उसके ऊपर टाडा लगा था। एक्चुअली आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, इसको बोलते हैं टाडा। तो टाडा के अंतर्गत जो था आपका संजय दत्त को लेकर के उसमें केस चला था, तो टाडा के अंतर्गत इसको इतनी बड़ी सजा मिली। अब तो खैर वो बाहर आ गया, बात अलग है। तो ये टाडा है कि निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून है। सर्वाधिक कठोर कानून कौन सा है, उसको किस नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं टाडा, टाडा, ठीक है। और 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया, टाडा को अब समाप्त कर दिया। लेकिन जो उसको जो सजा मिली थी वो 1995 से पहले क्या उसका केस था, तो उसके हिसाब से उसको सजा मिली थी। अब हम बात करते हैं पोटो के बारे में, ठीक है। पोटो के बारे में, पोटो क्या होता है, इसे अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया, और पोटो टाडा का ही एक रूप है, ठीक है। टाडा का नया नाम क्या है, तो टाडा का नया नाम है पोटो, ये याद रखना। टाडा का नया नाम क्या है, पोटो, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप इसको याद रखना। आगे हम बात करते हैं, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए आप इसको देख लीजिएगा, देखना नहीं फिलहाल आपको, पढ़ते हैं चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय एक्चुअली कुछ हमारे रिट जारी करता है, मतलब कि रिट निकालता है, जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में एक शक्ति है, तो रिट की संख्या कितनी होती है एग्जाम में आपसे ये पूछता है। पहली बात तो ये, जो संख्या होती है वो होती है 5 तरह के रिट होते हैं टोटल एग्जाम में। डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि रिट कितने प्रकार के होते हैं या फिर रिट की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है ये है 5। और इसको कौन जारी करता है, इसको कौन निकालता है, इसकी शक्ति किसको प्रदान है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। अब कौन कौन से रिट किस प्रकार के होते हैं, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अगर आपको, आप चलो ठीक है, आपको नहीं, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझको तुरंत पुलिस वाले आकर के बंदी बना के ले जाए, तो मैं क्या होगा, मैं एक प्रार्थना जारी करूंगा सर्वोच्च न्यायालय पे, एक अपील डालूंगा कि मुझे बिना परमिशन के, बिना किसी गलती बताया मुझको घर से उठा लिया और मुझको जेल में बंद कर दिया, तो ठीक है। तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, जो मुझे बंदी बना के ले जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको आदेश देगा कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान पर निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, वो फिर मुझको बुलाएंगे, मेरे सामने फैसला करेंगे तुरंत, और जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल होता है। फिर होती है बात परमादेश, परमादेश का लेख एक्चुअली इम्पॉर्टेंट केवल इतना ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बस केवल यही याद करना है। आप चाहें तो परमादेश भी एक बार देख सकते हैं कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ठीक है। कोई पद पे बैठा हुआ, जैसे अगर आप किसी पोस्ट में लग गए, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, उस पोस्ट के प्रति कोई भी काम नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। उसको बंदी नहीं बनाते इस केस में, बस एक नोटिस दे देते हैं कि ठीक है, अगर आपने काम नहीं करा, जैसे हम कहते हैं कि सरकारी जॉब लगने के बाद हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, इस तरह से हम लोग वर्ड यूज करते हैं कभी कभी, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में, अरे क्या होगा, हस्ते ट्रांसफर हो जाएगा, हम तो बन गए दमाद। ऐसा नहीं है, अगर आप एक रेपुटेटेड पोस्ट में बैठे हुए हैं, अगर आप IAS रैंक में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय आपको ये परमादेश भी जारी कर सकता है। IPS ऑफिसर अगर आप हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखना। अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति ऐसे
पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। ठीक है, आप मानिए आप किसी बैंक में और आपका काम है केवल क्लरिकल काम, ठीक है, और वहां पर आपको काम दिया जाता है कैशियर का, तो वो काम आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है भाई यहाँ पर है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वह ऑफिस के अंदर कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? तो यह है भाग 4 अनुच्छेद 36 to 51 तक, ये जो डिपेंड है यह है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली हमको, हमने ये कहाँ से कॉपी करा है, तो ये सभी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, कौन से देश से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या लिया है, रूस से हमने क्या लिया है, एफ3 हमारा संविधान जो भी बना है वो दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर के बना है, मतलब कि हमें जो दूसरी चीजें अच्छी लगी हमने उसको अपने संविधान में ऐड करते चले गए। जैसे कि आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें किसी दूसरे की कॉपी करते होंगे, ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नमस्ते, कुछ लोग बोलते हैं नमस्कार, ये नमस्कार वर्ड जो होता है एक्चुअली दिल को काफी छूने वाला होता है, तो लोग क्या करते हैं नमस्कार को कॉपी कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं सर, कुछ लोग बोलते हैं बॉस, हाँ बॉस क्या हाल है, तो ये सभी वर्ड क्या किसी की अच्छी बातों को कॉपी करने में बुराई नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कभी कभी बच्चे कहते हैं आपस में कि हमारा संविधान तो चोरी से बना है, अरे चोरी से नहीं बना है, वो बना है प्रेरणा लेकर के उस देश से। ठीक है, तो देखिए बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कभी कभी लगता है मुझको आज पक्का मेरा कमेंट आएगा कि सर आप बोलते बहुत हो, तो एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ते हैं, तो बोलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोल लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है सुनने का, आप बोर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन या फिर गठन से संबंधित है, तो आर्टिकल 40 किस चीज से संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको राइट आंसर चूज करके आना है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करते हैं, देखिए कोई आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पंचायत है, ठीक है, और पंचायत क्या कर रही है, किसी राम नवमी के टाइम पे या किसी भी चीज को लेकर के आपके सामने आती है आपके गेट पर पर्ची काटने के लिए, तो वो कहती है 51 रुपए, लेकिन आपके पास 51 रुपए नहीं है जेब में, आपकी जेब में है 40 रुपए इस समय, तो आप कह देंगे उसको 40 रुपए, तो आप पर्ची कितने की कटवा रहे हैं, 40 रुपए की, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों के संगठन से। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का संबंध किससे दिया गया, यह है आर्टिकल 44 संबंधित है इस चीज से, और 48 जो संबंधित है वो है आपका कृषि एवं पशुपालन संगठन से, और उसके बाद जो अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी को प्रोत्साहन देना कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो ये आर्टिकल में कहा गया 351। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से, जबकि मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, इसके साथ में एक चीज और ऐड करूंगा, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, लेकिन आपको याद रखना है इसका संबंध आयरलैंड से है, जबकि मौलिक अधिकार का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो है भाग 3 में। यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस चीज के लिए, ये पूरे समाज की भलाई के लिए है, जबकि क्या मौलिक अधिकार केवल एक व्यक्ति के लिए ही संबंधित है। ठीक है, एक व्यक्ति की भलाई करता है मौलिक अधिकार, पूरे समाज की भलाई कौन करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब क्या होता है, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, हानि होती है, तो क्या कर सकता है इंसान, इंसान न्यायालय में अपनी दस्तक दे सकता है, अपनी अपील दे सकता है। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं, और फैक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 6 नंबर पॉइंट, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटा देता है। जितने अधिकार इंसान को मिलेंगे तो क्या होगा, उतने ही सरकार का महत्व क्या होता है, घट जाता है। तो अधिकारों को बढ़ाता कौन है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जबकि सरकार के महत्व को घटाएगा कौन, घटाता कौन है, ये घटाता है आपका मौलिक अधिकार। एग्जाम्पल के तौर पर
आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, समझ लीजिए आप ऑफिस के पूरे मालिक हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आपने 50 लोग हायर कर रखे हैं, आपने लोगों को इतने अधिकार दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी मेल के, बिना किसी अप्रूवल के लीव ले सकता है, छुट्टी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बिना इन्फॉर्मेशन मुझको दिए, मतलब बॉस को दिए, हाफ डे में जा सकता है, ठीक है, आधा घंटा, एक घंटा लेट आ सकता है। तो ये सब अधिकार आपने किसको दिए हैं? एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज को अगर आपने इतने अधिकार दे रखे हैं तो वहां पे क्या होगा, बॉस का जो अधिकार होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काम करती है सरकार। सरकार अगर जरूरत से ज्यादा मौलिक अधिकार व्यक्ति को देगी तो उसका क्या होगा, महत्व कम हो जाता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। देखिए कि 42वां संशोधन जो था वो हुआ था 1976 को। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्य एक्चुअली नहीं थे, लेकिन वास्तव में ये जोड़ा गया किसमें, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, तो उसके बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया। और इसे कहाँ से लिया, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए आ गया रूस के संविधान से, इसको कॉपी करा गया है। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है भाग 4 में, अनुच्छेद 51 क में। कौन कौन से कर्तव्य वगैरह हैं तो आप देख लेना, टोटल कर्तव्य 11 है कुछ इस प्रकार से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका प्राथमिक शिक्षा प्रदान कौन से वर्ष तक की जाती है। देखिए माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, एक क्या है, ये है आपका मौलिक कर्तव्य है। और कौन सा संशोधन हुआ था, ये हुआ था संशोधन 86। फिर हम बात करते हैं, देखिए संघीय कार्यपालिका, तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री क्या है, उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। अब किसकी उम्र कितनी होती है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति की उम्र होती है 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य वो होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर एस राधाकृष्ण, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद, और सेकंड कौन थे, राधा कृष्णन। अब थोड़ा सा फैक्ट आप ये पढ़ लीजिए, बाकी ये सब पढ़ सकते हैं बट इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे, ग्रेड डी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, अब ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, अब पूछता है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। फिर हम बात करते हैं वी वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, ये सब जो डेट दे रखे है ना, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर ये लोग रहे। तो ये इम्पोर्टेंट इतना है, पढ़ना इसको जरूर, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद को त्याग सकता है अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ आज, हाँ चलिए आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या हो सकता है, आपको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल 56 एवं 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है, वो होता है अनुच्छेद 61 फर्स्ट। इसमें उल्लेख करा गया कि किस तरह से महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। एक तो तब होगा, आप अपनी सीट तब छोड़ोगे अगर राष्ट्रपति बनने के बाद में, या तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र दे दिया। अब लगा लो कि आपको जरूरत है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप राष्ट्रपति पद से आप रिजाइन देना चाहते हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, या फिर महाभियोग के द्वारा आप काम से ही नहीं कर रहे तो आपको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, देखो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, कमेटी बैठेगी, मेंबर बैठेंगे सारे, वो साइन करेगा करेंगे अपना, और आपको यहाँ से टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। 14 डेज काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा गया है। तो राष्ट्रपति को 14 डेज पहले क्या होता है, लिखित सूचना दी जाती है, और राष्ट्रपति की रिक्त जो पद होता है, अगर राष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया तो उसको क्या होता है, 6 महीने के अंदर भरना होता है, भरना इन द सेंस की फिल करना होता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति 100% असाइन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति की करनी पड़ेगी 6 मंथ के अंदर। और जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति हो जाती है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही ये सारी बातें कर ली जाती है। 5 वर्ष अगर आपको पूरे हो गए,
तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो 5 वर्ष पूरे होंगे उससे पहले ही ये क्रिया स्टार्ट हो जाएगी नए व्यक्ति को हायर करने की, ठीक है। तो ये होता है आपका अनुच्छेद 62 फर्स्ट। उसके बाद में देखिए वही सेम है 56 वन। हाँ थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिए कि किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, अगर नया हायरिंग नहीं हो पाती है, उसकी सीट खाली आती है 6 महीने के बाद में, तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, ठीक है। अगर इन केस पूरे भारत में इमरजेंसी लग गई है और ये क्रिया नहीं हो पाएगी उस टाइम पे, ठीक है, तो क्या होगा, वही राष्ट्रपति कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी उसको आगे तक बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। जबकि क्या होता है, देखिए 6 मंथ तक अगर राष्ट्रपति की पोस्ट फिल नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति का काम तो कुछ पेंडिंग रहेगा ना, तो उस काम को पूरा कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति को सैलरी किसकी मिलेगी, राष्ट्रपति की, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं सरकारी है। प्राइवेट में अगर आपका बॉस भी छुट्टी पे कर ले और आपका काम बढ़ते बढ़ते रहेगा, आप चाहे काम जितना भी कर लो आपको सैलरी फिक्स मिलेगी। तो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते क्या होते हैं, वेतन होता है इसका 1.5 लाख रुपए, और बाकी राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित करी गई है, ठीक है, इनको पेंशन कितनी मिलती है, 9 लाख रुपए बस। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, आप सोचेंगे मैंने इतना स्किप क्यों करा दिया, वही स्किप कराना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, ढेर नहीं पढ़ना है, केवल क्वालिटी पे फोकस करना है। सॉरी। उपराष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, और कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो जानी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति के पद खाली करने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें पहले, और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन 4, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखना कौन होता है, प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, तो आप याद रखना लोकसभा के प्रति ये क्या होते हैं, उत्तरदायी। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, ठीक है। राष्ट्रपति ये नहीं कि लोकसभा भंग कर देगा डायरेक्ट, नहीं, वो पहले प्रधानमंत्री से मीटिंग करेगा, वो कहेगा भी लोकसभा भंग करनी है, तो दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद में लोकसभा भंग कर देते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, योजना आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या है, बताया आपको, नीति आयोग। और नीति की फुल फॉर्म क्या है, बता सकते हैं आप मुझे, बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है वो लिख करके मत भेजना, ठीक है, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ आपसे। डायरेक्ट अगर आपको नहीं पता ना तो गूगल पे सर्च मार लो, याद कर लेना उसको, फिलहाल भेजना मत। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा था, और वे कुल कितने, 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे प्रधानमंत्री, मैक्सिमम 16 साल। सोचो कितना गौरव की बात है, ठीक है, इतने साल तक, यहाँ पे 16 साल तक कोई पोस्ट नहीं मिलती लोगों को CGL की, ठीक है ना, प्राइवेट ही करते रहते हैं सुबह शाम। सोचिए 16 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और 9 महीने, यार काश कुछ दिन और पूरे हो जाते, पूरे 17 साल कर लेते हैं ना। लेकिन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखना प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वीडियो की लेंथ एक्चुअली अब बढ़ने वाली लग रहा है मुझे, थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, बस सोना मत प्लीज, ठीक है। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, और चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, ठीक है, ये कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है, ये है जगजीवन राम का रहा था, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे।
प्रधानमंत्री और उनका सबसे लंबा कार्यकाल किस किस में उनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। पहले हम जो प्रधानमंत्री थे सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। फिर हम बात करते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये नाम आपने नहीं सुना होगा शायद, ये भी एक्चुअली प्रधानमंत्री थे। तो इनकी कुछ विशेष बात ये थी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जाने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इस पर पारित हुआ और उनको हटा दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनके पद से, प्रधानमंत्री पद से इनको निकाला गया था? तो ये थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत के तीन प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। ये सब सीट पे बैठे हुए थे, मतलब कि प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पे इनकी डेथ हो गई। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 1966 को, भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता हुआ था। एक्चुअली आपने देखा होगा एबीपी न्यूज में एक प्रधानमंत्री का सीरियल आया था, सीरियल, ठीक है। उस सीरियल को अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे एक बार वॉच करना, आपको प्रधानमंत्री की पूरी सीरीज क्लियर हो जाएगी। प्रधानमंत्री कौन सा कब रहा था, कौन से किसने काम क्या करा था, क्या क्या रुकावटें आई थी, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि यार राज्यसभा में एक आता था नाटक, बड़ा अच्छा था, वो था आपका संविधान। वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो अपना एक संडे निकालो माइंड फ्रेश करने के लिए, और माइंड फ्रेश करने का मतलब कुछ मोटिवेशन वीडियो देखने हैं, कोई नॉलेजेबल वीडियो वॉच करने हैं, तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहेगा। और कंटिन्यू स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना, घोड़े वाली स्टडी करो। घोड़ा क्या करता है, दौड़ता कम है लेकिन वो स्मार्ट तरीके से दौड़ता है, ठीक है, मेहनत करता है स्मार्ट तरीके से। तो गधों वाली स्टडी मत करो। कुछ लोग होते घंटों घंटों, 24 में से यार 12 12 10 10 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो भाई ऐसा? तो प्लीज बच्चों क्वांटिटी पे फोकस मत करो, केवल क्वालिटी पे फोकस रखो। मैथ के एक दिन में केवल 10 फॉर्मूले याद करो, या 5 फॉर्मूले बेस पे अपना पूरा क्वेश्चन बना बना के देखो, या फिर जीएस का एक वीडियो कम से कम 2 से 3 बार वॉच करो, या अपनी कुछ ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो तो उसको 3 से 4 बार एक दिन में वॉच करो, देखो पढ़ो और उस पर अपनी पकड़ बनाओ। घंटों में पढ़ाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फिलहाल संघीय संसद के बारे में कि संघीय संसद में क्या होता है। कि देखिए राज्यसभा, देखिए भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो संसद किससे बनती है, इन तीनों से मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने ऐसे ही आपको बताया है फिलहाल। और राज्यसभा में क्या होता है, अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं, 245। और इनमें 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। और शेष जो 233 होते हैं वो होते हैं सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष तक होनी चाहिए। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष का। और 6 वर्ष के बाद में क्या होता है, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष, मतलब हर 2 वर्ष में जो होते हैं एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, सदन से बाहर हो जाते हैं, राज्यसभा से बाहर हो जाते हैं। कितने, एक तिहाई, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में इनको रिटायरमेंट मिल जाती है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है, तो वो है आपका उपराष्ट्रपति। याद रहेगा कौन, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा जो है, ये राज्य और सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश से सदस्यों की जो संख्या है वो है 31, जम्मू कश्मीर से है आप 4, याद रखना इसको, और उसके बाद में दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो ये थे आपके श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव। और देखिए क्या होता है कि केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार दिया गया है। और यह है आपका 312 में, केवल पढ़ लीजिए इसको, 312 क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, ठीक है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। कितने डेज का, 14 डेज का। देखिए राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है, आहूत
करता है। दोनों के बीच में मतलब कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक में कम से कम 6 माह के बीच का अंतराल नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उसकी पहली बैठक कहाँ पे कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को। ये येलो से जो हाईलाइट कर रखे हैं ये एक्चुअली मैंने खुद कर रखे हैं, मैं ग्रीन से आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करवा रहा हूँ। आपको पूरा ही येलो वाला हाईलाइट करना है अपनी बुक पर, ठीक है? और बुक प्लीज मार्केट से परचेज कर ही लो आज या कल, जब भी जाओगे मार्केट में बुक को परचेज करना, उसके बाद में वीडियो वॉच करना। लोकसभा, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। तो निम्न सदन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लोकसभा को। और मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या होती है 500 निश्चित की गई है, और सदस्य संख्या 552 हो सकती है, और 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से होती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जो होता है आंगल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 545 है। और उसके बाद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 41 स्थान आरक्षित किए गए हैं। और ये कहता है अनुच्छेद कौन सा है? तो 330, 330 जो अनुच्छेद है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रिजर्वेशन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो आपके सदस्यों की संख्या है वो है 80, दिल्ली से 7, पुदुचेरी से 7। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, ठीक है? सबसे पहले याद रखना ध्यान कि कौन सा संशोधन कौन से वर्ष हुआ था। तो 61 जो हुआ था वो हुआ था 1989 के अनुसार। और भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, ठीक है? तो वयस्क जो हमारी आयु होती है वो होती है 18 वर्ष की आयु तक। और उसके बाद में आप देखना एक बार कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है 330 और 332 के मध्य। और वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियां वे अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंगल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल बस ये रखना कि 95वां संविधान संशोधन कब हुआ था और ये किससे संबंधित है, एग्जाम में बस डायरेक्ट ये पूछेगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष या इससे अधिक इसकी आयु होनी चाहिए, और लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक का, और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। और ये अब तक कितनी बार हुआ है? ये हुआ है 8 बार, लोकसभा को समय से पहले ही भंग करा गया है। कितनी बार? 8 बार। और 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है? कितनी बार बढ़ाया गया था? 2 बार एक एक वर्ष के लिए इसको इंक्रीज करा गया था। लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद आपका 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये की जाती है। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। किसका निर्णय? लोकसभा का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। कौन से विधेयक के रूप में? धन विधेयक के संबंध में लोकसभा जो बोलेगी वो फाइनल डिसीजन होगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो पहली बार जो थे वो थे आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर, इनको बोलते हैं जीवी मावलंकर। पूरा नाम देता नहीं है, शॉर्ट नेम दे सकता है, शॉर्ट नेम आपको याद रखना जीवी मावलंकर। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 1952 से लेकर के 1957 तक रहा। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष का नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है,
तो आपको नाम उपाध्यक्ष का भी याद रखना है, अनंत सयनम। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, मतलब जो जहाँ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और सबसे छोटा जो है वो है आपका लक्षद्वीप। यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन में अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी क्या होगा, सदस्यता समाप्त कर दी जाती है 60 दिन। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना, जैसे टीचर कहते थे अगर बिना बताए 4 दिन छुट्टी करी तो भैया तेरा मैं नाम काट दूंगा स्कूल से, TC अपने घर ले जाइयो, तो ऐसे कहते थे ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 60 दिन की अवधि मिलती है, तो 60 दिन के अंदर एक ना एक बार वहाँ पे उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था। पेंशन पहले नहीं मिलती थी एक्चुअली, लेकिन 1976 से लागू हो गई उनकी पेंशन। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी बुक की वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है, और बुक को मार्केट से परचेज कर लेना, अगेन बोल रहा हूँ, और मार्केट पास में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन के थ्रू। ठीक है, परचेज करिए, हाईलाइट करिए और ध्यान से पढ़िए, रिविजन जरूर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब तक नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो दिखाई देगा आपको ये घंटा घंटा जरूर प्रेस करना। ठीक है, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एक बार इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, इस लिंक को आप शेयर कर दो, आप भी पढ़िए औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। ठीक है, इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, शायद गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो आप कब वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।